ड्वेल टाइम एंड बाउंस रेट दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं और कौन सा पैरामीटर हमें क्या इंडिकेट करता है? अगर आप एसईओ या वेबसाइट ओनर हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर इसी दोनों के बारे में डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन लेंगे। सो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो बेसिकली जब भी हम वेबसाइट पे काम करते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा बना रहे, और यूजर अगर हमारी वेबसाइट पे आए तो वो वापस जो है वो नहीं जाना चाहिए, उसको उसका रिलेवेंट कंटेंट जो है वो मिलना चाहिए। और इसीलिए हम जो है कई सारे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे काम करते हैं, लाइक उसका जो स्ट्रक्चरिंग है वो परफेक्ट होना चाहिए, उसके साथ में हम हाई क्वालिटी का जो कॉन्टेंट है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बट उसके अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कि कैसे पता चलेगा भाई, हमने तो हमारी तरफ से बहुत अच्छी मेहनत करी कि हमने हमारे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कॉन्टेंट डिलीवर किया, और साथ ही साथ में हमने उसका जो स्ट्रक्चरिंग है वो भी काफी अच्छा करने की कोशिश करी है, लेकिन जो हमने कोशिश करी है क्या वाकई वो लोगों को पसंद आ रही है क्या? ये अगर आपको जानना है तो उसके लिए हमें ड्वेल टाइम एंड बाउंस रेट इन दोनों पैरामीटर्स के ऊपर में फोकस करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हमें ये पता चलेगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि ड्वेल टाइम होता क्या है। सो बेसिकली ड्वेल टाइम जो है इसको कहते हैं जब आप किसी भी कोई भी यूजर मान लीजिए अगर किसी भी सर्च इंजिन के ऊपर में जाके कोई भी चीज सर्च करता है और हमारी वेबसाइट वहां पे रैंक में आ जाती है और वो क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आया। अब हमारी वेबसाइट पे आने के बाद में अगर उसने से फॉर एग्जांपल 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट जो भी टाइम स्पेंड करा है, भले उसने कुछ किया चाहे नहीं किया, यानी कि उसने उसके ऊपर कोई कॉल टू एक्शन जिसको कहते हैं, चाहे उसके ऊपर में जो है इंटरलिंक वगैरह दिए हैं या उसके अंदर हमने कोई कॉल टू एक्शन का बटन दिया है, उस पर कुछ भी एक्शन लिया चाहे नहीं लिया, लेकिन अगर उसने टाइम स्पेंड करा है, राइट, एक्टिवली टाइम स्पेंड करा है, उस टाइम को जो है हम कहते हैं यहां पर ड्वेल टाइम। फिर बाउंस रेट क्या है? से बाउंस रेट जो है ये बेसिकली हमें बताता है कि जो आपका यूजर सर्च कर रहा है उस पर क्लिक करा, हमारी वेबसाइट वहां पर गए आने लग गई, उसने क्लिक करा हमारी वेबसाइट पे आया और यहां पर आने के बाद उसने देखा कि हमारा कंटेंट जो है वो सही नहीं होगा या जो भी उसको लगा होगा, तो वो वापस चला गया विद इन 2-3 सेकेंड्स के अंदर या 4-5 सेकेंड के अंदर वो वापस चला गया। तो ये आपका बाउंस रेट कहलाता है, यानी कि यूजर आ तो रहे हैं लेकिन उनको उनका रिलेवेंट कंटेंट जो है वो नहीं मिल रहा है, इसलिए वो तुरंत ही हमारी वेबसाइट को छोड़कर वापस जा रहे हैं। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सो बेसिकली इसके पीछे कारण सिंपल हो सकते हैं बाउंस रेट के इंक्रीज होने के, कि जो यूजर है जो वो आपके पेज पे आ रहे हैं लेकिन जिस चीज को वो सर्च करके आ रहे हैं वो कंटेंट आपके उस पेज के ऊपर में अवेलेबल नहीं है, या जो भी कीवर्ड वहां पे वो सर्च कर रहे हैं वो कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट जो है वो आपकी वेबसाइट पे उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर में अवेलेबल नहीं है। अब ऐसे में अब हमें एज अ टेक्निकल देखना पड़ेगा, एज अ एसईओ देखना पड़ेगा कि भाई ऐसे कौन से कीवर्ड्स हमने इस्तेमाल करे हैं जो हमारे कंटेंट से रिलेवेंट नहीं है बट स्टिल वो जो है हमारे रैंक में लेकर जा रहे हैं और वहां से हमें बाउंस रेट इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी होती है। डोंट वरी, ये सारी चीजें हम एक इनिशियल स्टेज पे हैं आपके एसईओ कोर्स के, और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और जैसे जैसे हमारा ये बेसिक जो थर्ड एकदम थ्योरेटिकल जो सेक्शन है वो कवरअप हो जाएगा, उसके बाद में यही सब चीजें जो है हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। सो गाइज आई होप कि ये जो एसईओ की कंप्लीट सीरीज चल रही है वो आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी डोमेन्स हैं उन सभी से रिलेटेड वीडियोज आपको यहां पर देखने को मिलती रहेंगी। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।